भाई ये क्या है, ये हुक्का है? भाई साहब कितना मैसिव हुक्का है, देश का विश्व का, ये है भाई विश्व का सबसे बड़ा हुक्का। दोस्तों सारथी व्लॉग के साथ हम लोग आए हैं आज म्यूजियम में हरियाणा कुरुक्षेत्र में। यहाँ भी ब्लॉगर, बहुत सारे ब्लॉगर यहाँ पे घूम रहे हैं। चारों तरफ ब्लॉगर ही ब्लॉगर, सारी दुनिया ब्लॉगर का नाम गौरवी क्यों होता है मुझे बताया। ऐसा करना था क्या? ओके भाई, अभी है हरियाणा के एक म्यूजियम में जहाँ पे हरियाणा की धरोहर पूरी रखी हुई है। पहले के लोग कैसे रहते थे वो दिखाया गया है, अभी दिखाता हूँ आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है। ये कुछ कुछ चीज़ें हमारे घर में भी होती थी, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है आज भी घर में, क्या होती थी, क्या मैंने देखी है और क्या क्या चीज़ें आपने देखी है यार, आप भी देखना, बड़ा बड़ा मज़ा आने वाला है। तो पहले तो ये देखो ये चरखे रखे हैं यहाँ पे, ये कपड़े बनाने के काम आते थे उस टाइम। और ये देखो इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से इस तरीके से लोग बनाया करते थे। कितने लोगों ने यार ये देखा हुआ है, मसाला कूटने के लिए आप यूज़ करते थे इसको, पहले की बैलगाड़ी, इस तरह के संदूक, इस तरह के स्टोरेज होती थी। बहुत डिफरेंट है, मतलब कि कलर्स वगैरह मुझे बिल्कुल याद आ रहा है बचपन का टाइम ना अपने। ये अभी इंजॉय कर रहा है, ये मम्मी इसकी फोटो खींच रही है मेरी मम्मी के साथ। कलिया छोटी छोटी, तो दादी वादी भी दीदी भाई हमारी भी दीदी बेबे है। हमारी बेबे भी दीदी, मेरी दादी पिया करती थी कलिया हुक्का। और ये देखो जी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं हमारे मुड्ढा है ना, नहीं जिस पे बैठे हैं इसको मुड्ढा बोलते हैं। ये अभी भी हमारे गांव में है, ये चिलम है सारी। ओ भाई ये क्या है, ये हुक्का है भाई साहब, कितना मैसिव हुक्का है, देश का विश्व का, ये है भाई विश्व का सबसे बड़ा हुक्का। इतना बड़ा हुक्का देखा कभी किसी ने? ओए ओए ओए, ये देखो खाटे, जाट के ठाट होते हैं खाट के साथ क्यों दोस्तों? तो ये भी हमने देखा अपने घर में, ये तो अभी भी मिलती है इस तरह की खाट, पर इतनी बड़ी छोटी नहीं होती ना, अब छोटी छोटी होती है खेत जोतने के लिए। राइट, खेत जोतने का काम होता है, क्या बात है, हल, राइट, पलटू हल, ये सांता है, ये तो भाई आपने भी देखा होगा। ओह ये याद है, मैं उपले इस तरह के होली में डालते थे है ना, ऐसे उपले, गुरुकुले गुरुकुले, यस, चांद सूरज बना के। तो गांव का माहौल कभी ऐसा होता था, अभी भी ऐसी है काफी गांव में। तो वो लेडी वहां पे दूध निकाल रही है भैंस का, क्या बात है, बहुत ही प्यारा माहौल होता था पहले गांव में, मजा आ गया। नहीं गांव में नहीं आ रहा क्या आज? हाँ ऐसे आया करता था, क्या बात है, अभी देखो वहाँ पे नाई सेविंग बना रहा है, घर पे आया करता था पहले। हारमोनियम है, डमरू है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है रकुन? ये आज हुए, ये आज के हमारे गाइड हैं, टूर गाइड, और ये आज के हमारे सारथी हैं, और सारथी के ब्लॉग चल रहे हैं। हाँ जी, सारथी के ब्लॉग का नाम चेंज करने में, अच्छा सारथी के ब्लॉग का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ। सारथी शुभम तोमर, सारथी शुभम तोमर इज ऑल्सो गुड, मोर लगा दी गई है। ये छोटा सारथी यहाँ बैठा है गोद में, लाखों मिलियन व्यूज आ रहे हैं भाई, देखो दिखाता हूँ, ये देखो भाई पूरे 57 व्यूज के साथ। बाय अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 56, 57, 58, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 56, 57, 58, 79, 80,
लोग वीडियो बना रहे हैं, इतना अच्छी जगह है। हाँ मम्मी कह रही भाई ये तो हमारे सामने चला हुआ है, तो मम्मी उस टाइम थी उस जमाने में जब ये होता था, कल्लू रस निकाला करते थे गन्ने का। वही एक बार ऐसा लगा कि ये रियल है, सामने खड़े हुए सच में।
बंदा भी बिल्कुल असली लग रहा है। तो जब भी आपका बच्चा रोता है तो उसको बता दो कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो, तो वो चुप हो जाता है, रो रोता नहीं है। तो सर क्या कर रहे हो आप? मैं लोहा तोड़ रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं लोहा बना रहा हूँ। मैं लोहा बना रहा हूँ। वो मैं बनाता हूँ, वो तोड़ता है। मैं तुम्हारी भी तोड़ दूंगा। निकल रहा से। सॉरी सॉरी सॉरी, डू योर वर्क, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। और तू भी ना हेल्प कर कुछ इनकी, बेचारे दो आदमी काम करे इतनी गर्मी में। दोबारा ऐसे होते हैं। ओके ठीक है। तेली देख, पहले दिन कपास से घुमा घुमा के, मतलब पहले मशीन आती थी हमारे टाइम में, छोटे-छोटे दिन दिन दिखा। अच्छा दिनोड़े नहीं दिखाते थे कपास को? मैंने खूब काटे। हां वो तो छोटे-छोटे से चलते थे। तूने भी काटे? लेकिन तो फिर म्यूजियम कैसा हुआ जो आज भी हो रहा है? काम लगा देकर टीम ना लाए भी नहीं है पहले हमारे जब हम। हां जी भैया, हरा कला हरा। तो यहां पे मिट्टी के बन रहे हैं। ठीक है, नहीं कागज की डलिया बनती थी। अच्छा ऊपर जो ढकरी है। हाँ ये ढकरी ना, ये कागज के हैं। हाँ ऐसा बनती थी, कागज गला के गीला करके कागज को। हम छोटे थे, हमारे याद है। हाँ हमारे रखे भी थे ना पहले गांव में। हाँ, याद है मुझे, अभी भी रखे हैं शायद गांव में तो। ऊपर है ना एक दो एक दो। आपको तो अच्छा लग रहा हो यहाँ पे आके, बढ़िया वही तो सही है यार। ऐसी जगह भी होनी चाहिए इस तरह के म्यूजियम ना, कि पुराने कल्चर। ओहो ये देखो भाई, सारी पालकियाँ बग्गियाँ। भाई वाह भाई वाह, देखो भाई हर तरह की बग्गियाँ रखी हुई यहाँ पे, पुराने ज़माने में जो थी। पालकी, यस पालकी भी यहाँ पे। एक भराई की बैठी अंदर। चलो तांगा तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा। ये देखो लकड़ी खराब हो गई पूरी, ये कवर इसका। अरे भाई हुक्का भी मारा जा रहा है और साथ में काम भी करा जा रहा है, सिलाई कढ़ाई भी। ये टेलर की शॉप हुआ करती थी पहले, इस तरह की घाघरा चोली चुन्निया सब कुछ है इधर, शर्ट वर्ट। वेरी गुड जी। दोस्तों यहाँ से चलते हैं। और ये म्यूजियम जो है ये है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है बना हुआ ये। तो एंट्री 30 रुपये की है सिर्फ, आप 30 रुपये में यहाँ पे आ सकते हो और सर्च कर सकते हो गूगल पे। इसके अलावा यहाँ पे एक पैनोरमा म्यूजियम भी है, अगर आप साइंस में रुचि रखते हो तो भाई पैनोरमा म्यूजियम वो भी बहुत अच्छा है। बाकी ब्रह्म सरोवर है, तो काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो आज तक एक ही जगह कवर करी है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो भाई फैमिली के साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है। और आप हरियाणा पंजाब से हो और कल्चर जानना चाहते हो अपना पुराना, तो बढ़िया रहेगा उनके लिए। इवन यूपी से भी हो, क्योंकि मैं तो भाई यूपी से ही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ये सब चीज़ें, अपनी पुरानी रूट्स को याद करके कि हम कैसे रहते थे पहले। जो गांव से है ना खासकर, उनको तो अच्छे से याद आ रहा होगा कि यार सारी चीज़ें कैसी थी पहले के ज़माने में। जैसे मम्मी याद कर रही है अपनी पुरानी चीज़ें सारी, कि यार ये सब देखा हुआ है, करा हुआ है हमने, यूज़ करा हुआ है। तो इनके लिए बहुत बढ़िया है, और आई थिंक ये चीज़ उनके लिए बहुत बढ़िया है कि जब हमारे बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, तो इस तरह की चीज़ें आके देखेंगे जो जिसने कभी देखी नहीं है थोड़ी बहुत भी, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, बढ़िया माहौल आएगा। देखो यहाँ पे मुड्डा बना रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी रोड किनारे मिलते हैं, सेल होते हैं, पर देखो इस तरीके से बनाया करते थे, बुन बुन के अच्छे से इनको। तो एक से एक चीज़ें थी यार। और ये सब मम्मी गांव देहात में बनते थे ना, शहरों में इतना नहीं था, गांव देहात में बहुत बनते थे पहले। अब तो सब कुछ एडवांस हो गया भाई, कुर्सियाँ आ गई है प्लास्टिक की मेटल की। ओके तो ठीक है भाई, इस व्लॉग के लिए इतना ही, आपको दिखाया था आज मैं म्यूज़ियम। चलते हैं यहाँ से, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ दिखाएंगे, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।